ठीक है, तो बेस स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सेलेक्ट कमांड, हाउ यू कैन गिव योर सेलेक्ट कमांड टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड्स, सो हाउ यू कैन फिल्टर योर रिकॉर्ड्स और एज वेल एज योर कॉलम। ठीक है, ये काम हम लोगों ने किया था, तो एक बार फिर से सेलेक्ट जो कमांड है उसको एक बार चलाकर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो टेबल यूज कर रहे हैं वो हमारी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो हमारी ये स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल भी मैंने ओपन कर दी है साथ में, और इसके ऊपर जो सेलेक्ट कमांड हम लोग रन करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ। तो हम लोगों ने यूज किया था सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, और स्टूडेंट में जो आपके टेबल का नाम है उसका एस कैपिटल है। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं विद नेम एंथ बी क्वेरी थ्री के नाम से। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए, ये आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट है ऑल फील्ड्स एज वेल एज ऑल रिकॉर्ड्स वो आपको सब शो यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको विजिबल हो रहे हैं। देखिए, ठीक है, इसी में अगर आपको यहाँ पर कोई कोई अगर स्पेसिफिक कॉलम अगर आपको देना है, कॉलम का नाम देना है, तो ये भी काम हम लोगों ने करके देख लिया था। जैसे मैंने यहाँ पर नेम दिया, मार्क्स दिए और मैंने इसको रन किया, तो सिर्फ नेम और मार्क्स आने, एंड इट विल शो इन द सेम ऑर्डर एज यू हैव स्पेसिफाइड द कॉलम नेम इन द क्वेरी। तो पहले नेम दिया है तो नेम कॉलम आएगा, मार्क्स दिए तो मार्क्स आएगा, देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं तो वो आपको ट्रांसपोर्ट शो करेगा एज कॉलम। अच्छा, स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, ट्रांसपोर्ट का टी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। देखिए, ये आ गया। ठीक है, तो ये काम हम लोगों ने किया था। इसके साथ हम लोगों ने कुछ वेयर कंडीशन भी लगाई थी, तो वेयर कंडीशन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले सारे कॉलम्स हम लोग विजिबल कर लेते हैं। ये आपके सारे कॉलम्स हैं, उसके साथ आपको यहाँ पर आपने वेयर कंडीशन लगाई थी जिसमें हम लोगों ने रखा था वेयर मार्क्स जो है वो आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होने चाहिए। रन करके देखते हैं, तो ये 90 से अबव वाले जो मार्क्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर रिकॉर्ड्स विजिबल हो गए थे। ठीक है, अलोंग विद दिस यू कैन ऑल्सो सेट के सिटी वाइज भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पर जहाँ पे सिटी हाथरस हो सिर्फ आपको वही शो करना है, तो आपने यहाँ पर लिखा एंड, तो मार्क्स जो है वो 90 अबव होनी चाहिए प्लस उसके साथ सिटी जो है वो आपकी हाथरस होनी चाहिए, ऐसा मैंने अपने क्वेरी में कंडीशन लगा दी। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं और F5 प्रेस करते हैं रन करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर 90 अबव वाले भी सारे मार्क्स आ गए और सारी जो सिटी हाथरस है सिर्फ वही रिकॉर्ड सब आपको विजिबल हो रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन पर काम कर सकते हैं यूजिंग एंड। तो एंड का मतलब हो गया सिर्फ वही रिकॉर्ड आएंगे जहां पर ये दोनों कंडीशन मैच हो रही होंगी। तो हर उस रिकॉर्ड में जहां पर मार्क्स आपको 90 अबव होंगे और सिटी हाथरस मैच होगी वही सारे रिकॉर्ड्स आपको विजिबल होंगे विद एंड कंडीशन। बट अगर आप यहाँ पे कर देते हो और कंडीशन, तो यहाँ पर या तो मार्क्स आपको किसी भी रिकॉर्ड में मार्क्स 90 अबव मिले, 90 अबव नहीं मिल रहा है तो हाथरस सिटी मिले, इसमें से कुछ भी कोई भी एक कंडीशन जिस जिस रिकॉर्ड में आपको ट्रू मिल जाएगी वो सारे रिकॉर्ड्स आपको विजिबल होंगे। ठीक है, तो रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यू विल सी नाउ सम मोर कॉलम्स, ठीक है ना, मोर रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे अब आपको कुछ ज्यादा रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन इंडिविजुअली काम कर रही है, तो वो भी सारे रिकॉर्ड्स आएंगे जो कि 90 अबव हो, हाथरस हो, सिटी या ना हो, 90 अबव वाले सारे आएंगे, और वो भी सारे आएंगे जो हाथरस सिटी से बिलोंग करें वहां पे आपके मार्क्स 90 अबव हो या ना हो, यानी ये दोनों कंडीशन इंडिविजुअली अब मैच होगी हर एक रिकॉर्ड। तो ये काम हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने किया था एस्ट्रिक से क्या होगा कि आपको सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपका यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर रन किया और ये आपको सारा का सारा कंटेंट, सारे कॉलम नेम आपको विजिबल हो गए। बट नाउ यू वांट टू सी ऑल योर सिटी नेम, बट रिपीटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। तो मुझे, मैं ही चाहता हूँ कि सारे नाम सिटीज के डिस्प्ले तो हो बट विदाउट रिपीटेशन आने चाहिए। तो उस केस में फिर आप क्या लगा सकते हो, आप यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा सकते हो। आप क्या लगाओगे, डिस्टिंक्ट
डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट के बाद आप यहां पर ब्रैकेट में दे दोगे अपने सिटी का नाम जिसके बेस पर आप देखना चाहते हो। तो सिटीज डिस्प्ले तो होंगी बट वन एट अ टाइम, ठीक है ना, एक सिटी एक ही बार आएगी, रिपीटेशन यहां पर नहीं होगा। तो एक बार यहां पर रन करके देखते हैं इसको, तो एस्ट्रिक हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलाकर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर तीन सिटीज वो आपको शो कर रहा है विदाउट रिपीटेशन, यहाँ पे अब आपको रिपीटेशन नहीं दिखेगा। इतनी बात क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। रिपीटेशन रिमूव करने के लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद डिस्टिंक्ट के साथ साथ वी हैव वन मोर कीवर्ड दैट इज कॉल्ड ऑल। तो ऑल जो होता है वो तो बाय डिफॉल्ट काम करता ही है, अगर आप ऑल नहीं भी लगाएंगे तो भी ऑल आपका काम करता ही करता है। तो ऑल जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप ऑल लगाओगे या नहीं लगाओगे तो वो आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स वो आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो देखिए ऑल में जो रिपीटेशन होगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा, तो बाय डिफॉल्ट भी रिपीटेशन आता है, ऑल लगाने से भी रिपीटेशन ही आएगा। तो डिस्टिंक्ट के रिगार्डिंग ऑल भी है आपके पास जो कि ऑप्शनल है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑल ही काम करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको, ऑल जो है वो ऑप्शनल है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑल ही काम करता है, यानी सारे रिकॉर्ड्स आते हैं विद रिपीटेशन, बट इफ यू वांट टू रिमूव दिस रिपीटेशन तो यू कैन यूज डिस्टिंक्ट कीवर्ड, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, हाउ यू कैन सेट योर कॉलम एलाइज नेम। कॉलम का जो एलाइज नेम है वो आपको कैसे सेट करना है, ठीक है। तो कॉलम का एलाइज नेम में यहाँ पे आपको पता ही है कि एलाइज नेम इज व्हाट इट विल जस्ट डिस्प्ले ऑन योर आउटपुट, इट विल नॉट मेक एनी चेंजेस परमानेंटली इन योर टेबल कॉलम नेम। तो कॉलम के नेम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस वो आपको विजिबल होगा। जैसे एडमिशन नंबर अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो वो एडमिशन नंबर इस तरह से विजिबल हो रहा है, बट आप एज लगाकर आप इस एडमिशन नंबर को किसी दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एडमिशन नंबर, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया। आपको एक और चेंज करना है तो आप यहाँ पे कॉमा लगाइए, और मैंने यहाँ पर नेम लिखा और नेम एज मैंने यहां पर लिख दिया स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो मैंने एडमिशन नंबर को एज एडमिशन नंबर लिखा है, नेम को एज स्टूडेंट नेम लिखा है, और रन करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, एलाइज नेम तो काम करता है, देयर इज नथिंग टू कंफ्यूज। ठीक है, ये तो काम कर रहा है। उसके बाद एज एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये डबल कोट्स में एक्सेप्ट करता है वैल्यू, तो एडमिशन नंबर जो है वो आपको ऊपर दिख गया, ठीक है ना। इट ऑल एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द रूल ईच डेटाबेस इज फॉलोइंग। तो किसी में डबल कोट्स में काम होता है, सिंगल कोट्स में भी काम होता है। इसी तरह से चेंज कर देते हैं नेम एज, और यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो ये दो मैंने सेट किए, और अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पर अब नेम की जगह स्टूडेंट नेम आपको सिर्फ विजिबल हो रहा है, और एडमिशन ADMNO की जगह सिर्फ एडमिशन नंबर आपको सिर्फ विजिबल हो रहा है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है परमानेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है बेटा,
अब आगे चलते हैं और अब आगे हम लोग लगाना शुरू करते हैं थोड़ी सी कंडीशंस, जैसे अगर आपको फिल्टर करने हैं अपने रिकॉर्ड को तो बिटवीन कैसे लगाएंगे, बिटवीन बिटवीन पे कैसे काम करेंगे। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट योर डेटा, इसे हटा देता हूं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करकर सिर्फ इतनी रन करके आपको पूरा कंटेंट में आपको शो कर दिया है। अब यहाँ पे आकर बिटवीन मतलब एक रेंज में कैसे आप डेटा उठाना चाहोगे, तो बिटवीन यहाँ पर यूज कर सकते हैं विद वेयर कंडीशन। मैंने यहाँ पर लगाया वेयर मार्क्स बिटवीन, वेयर मार्क्स बिटवीन, मैंने यहाँ पर लिखा 80 एंड 90। तो यहाँ पर बिटवीन 80 एंड 90 जरूर लिखा हुआ है, बट जो मार्क्स होंगे उसमें 80 और 90 जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो भी आपकी इंक्लूडेड होंगी। तो अगर किसी बच्चे के अगर 90 मार्क्स होंगे तो वो वाला रिकॉर्ड भी आपको डिस्प्ले होगा, बिल्कुल ठीक है। तो बिटवीन 80 एंड 90 इस रेंज के जो मार्क्स होंगे वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। तो चलिए रन करके देखते हैं इसको, ये देखिए तो 90 देखिए इसमें इंक्लूडेड है और 80 और 90 के बीच के सारी जो मार्क्स होंगे वो आपके यहाँ पर विजिबल हो गए। तो आप यहाँ पर बिटवीन लगाकर एक रेंज में वैल्यूज उठा सकते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक बार देखते हैं कि हाउ यू कैन pick your records on the basis of some specific list value, ठीक है। For example, आपको सिर्फ यहाँ पर वो record चाहिए जो आपके मथुरा से belong करते हैं, या सिर्फ वो record चाहिए जो जो आपके हाथरस से belong करते हैं, वो सारे students चाहिए। तो उसके लिए आप क्या condition लगोगे, आप यहाँ पर उसके लिए लिखोगे city equals to, आप यहाँ पर simply आप यहाँ पर लिख दोगे city equals to हाथरस हो, या फिर और सिटी इक्वल्स टू यहाँ पे होना चाहिए मथुरा, वो सारे आपके रिकॉर्ड्स आने चाहिए। और जाहिर सी बात है बिल्कुल सही है कंडीशन, तो आपके यहाँ पर सारे सिटी और हाथरस और मथुरा के जो है वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, बट किसके नहीं आएंगे, अलीगढ़ के रिकॉर्ड एक है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है। इन द सेम वे यू कैन डू वन मोर थिंग, अच्छा मैं यहाँ पे अब आपको अलीगढ़ का भी एक बार करके दिखा देता हूँ, है ना। तो अलीगढ़ का देख लिया, अब यहाँ पे इसे रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस लिस्ट में आपको अब अलीगढ़ का भी एक रिकॉर्ड दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। इसी को आप एक तरह से और कर सकते हो, अगर आपको इस तरह से कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स पर काम करना है, जैसे मैंने हाथरस पे काम किया है या मैंने अलीगढ़ पे काम किया है या मथुरा पे, तो आप यहाँ पर इन ऑपरेटर लगा सकते हो, इन ऑपरेटर, ठीक है। तो जैसे अभी आप लोगों ने बिटवीन ऑपरेटर पे काम किया था, बिल्कुल वैसे ही इन ऑपरेटर पे काम करते हो जो बेसिकली लिस्ट पे काम करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वेयर सिटी इन, वेयर सिटी इन, तो सिटी इन मतलब यहाँ पे जो जो सिटी आपकी इस लिस्ट से मैच होंगी, हाथरस कॉमा मैंने कर दिया यहाँ पर अलीगढ़, तो वो सारी सिटी जो या तो हाथरस में जो जिनकी वैल्यू या तो हाथरस हो या फिर अलीगढ़ हो, वो सारी आपकी जो वैल्यूज होंगे वो आपकी डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप इन से भी, आप इन ऑपरेटर से भी ये काम कर सकते हो। तो वैसे आप और लगा के भी कर सकते हो, जैसे भी किया था आप इन से भी कर सकते हो। तो रन करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर आकर या तो सब आपको हाथरस के दिखेंगे या फिर आपको अलीगढ़ का रिकॉर्ड यहाँ पर दिख जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा सबको, एक बार थम्स अप कर दीजिए। तो दिस इज अनदर वे टू एग्जीक्यूट क्वेरी, दिस इज अनदर वे टू सेट द कंडीशन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और वो भी आपके पास ऑप्शन है। और अगर आप यहाँ पे करते हो नॉट इन, तो इट विल रिवर्ट द आउटपुट, आपके आउटपुट को बिल्कुल रिवर्स कर देगा, यानी वो सारी सिटीज आएंगी जिसमें हाथरस और अलीगढ़ नहीं होना चाहिए। तो बचा क्या, बचा आपका मथुरा सिटी। तो अब ये सब अभी आपको सारे के सारे मथुरा सिटी के जो रिकॉर्ड होंगे वो आपको शो कर देगा। तो मथुरा सिटी के रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर देखिए विजिबल हो रहे हैं, ये सारे आपके मथुरा सिटी के रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि आपकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल रिवर्स हो गई। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन नॉट इन ऑपरेटर लगा सकते हो, या आप यहाँ पर बिटवीन भी लगा सकते हो फॉर योर सर्चिंग, ठीक है। चलिए अभी इतना क्लियर है तो आगे बढ़े, ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहां पर आकर एक चीज और देखते हैं कि आप यहां पर पैटर्न मैचिंग पे कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, पैटर्न मैचिंग के लिए सबसे पहले मैं ऑल रिकॉर्ड्स प्रिंट कर देता हूं, ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए मेरे पास। पैटर्न मैचिंग के लिए आपको यहां पर देखिए, पैटर्न मैचिंग में क्या होता है, आपको कुछ सिमिलर मैचिंग आउटपुट के बेस पर आपको आउटपुट प्रिंट करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वो सारे नाम चाहिए जो कि जिनका सरनेम कुमार से एंड हो रहा हो। जैसे आपको यहां पर अमित कुमार दिख रहा है, एक बच्चा, रवि कुमार दिख रहा है, ललित कुमार दिख रहा है, तो ये तीन आपके वो नंबर हैं, वो नाम हैं जो कि कुमार से, एक स्पेसिफिक सरनेम से एंड हो रहे हैं। या आपको ऐसा कोई रिकॉर्ड चाहिए जो कि एक कुछ स्पेसिफिक लेटर से स्टार्ट हो रहा हो। तो इस तरह के आप यहाँ पर कहीं ना कहीं पैटर्न्स को मैच करके काम कर सकते हो। एंड फॉर दिस पर्पस वी हैव टू स्पेशल सिंबल, वन इज परसेंट साइन एंड अदर वन इज अंडरस्कोर साइन। तो अंडरस्कोर जो होता है, एक अंडरस्कोर जो होता है वो आपके एक कैरेक्टर के लिए काम करता है। कैसे काम करता है ये अभी देखते हैं। और जो परसेंट साइन होता है वो आपका एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे पूरी लिस्ट दिख रही है साइड में, तो यहाँ पे आप यहाँ से भी देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर ये सारे इस तरह के सारे आप नाम प्रिंट करना चाहते हो जो कुमार से एंड हो, या वो सारे नाम शुरू आप प्रिंट करना चाहते हो जो हर्ष से स्टार्ट हो, HARSH, तो यहाँ पे हर्षिता भी आ जाएगा HARSH के लिए और हर्ष भी आ जाएगा। तो इस तरह के सिमिलर पैटर्न वाले जो नेम है वो आप अगर प्रिंट करना चाहते हो तो इसके लिए ये आपको वो सारे नाम प्रिंट करने जो A से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अंकित आ जाएगा, अमित आ जाएगा, ये भी अमित आ जाएगा। तो इस तरह के आप यहाँ पर पैटर्न मैचिंग पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पैटर्न मैचिंग के लिए किस तरह से कंडीशन लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ आते हैं। ठीक है, यहां आते हैं और यहां पे आकर हम लोग यहां पर पैटर्न मैचिंग पे काम करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद अंडरस्कोर से करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा वेयर नेम, अच्छा यहां पर लाइक यूज होता है इन प्लेस ऑफ इक्वल साइन। जब आप पैटर्न मैचिंग के लिए काम करते हैं तो वहां पे आपको इक्वल टू साइन नहीं यूज करना होता, वहां पे आपको लाइक यूज करना होता है, लाइक ऑपरेटर। ठीक है, तो स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर है आपका लाइक, तो लाइक लगाकर ही फिर आप यहां पर दोगे। अब सिंगल कोट्स के अंदर मैंने यहां पर लिख दिया फोर अंडरस्कोर, 1, 2, 3, 4। अब फोर अंडरस्कोर का मतलब ये हो गया कि फोर कैरेक्टर्स, क्योंकि वन अंडरस्कोर का मतलब है वन कैरेक्टर, फोर अंडरस्कोर का मतलब है फोर कैरेक्टर्स। तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ वो सारे नाम वाले रिकॉर्ड शो करेगा जो फोर कैरेक्टर्स से, जो फोर कैरेक्टर्स के होंगे। है, तो चलो ये रन कर एक बार देखते हैं कि कितने आते हैं ऐसे नाम। ओके, तो एक ही आया है अमित, और एक काम करते हैं थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं किसी एक रिकॉर्ड में, एक और रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं जो कि फोर कैरेक्टर्स का है। जैसे मैंने यहाँ पर दिया एंटर कर लिया फोर कैरेक्टर्स का। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी ऐसे एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आकर अपना जो डेटा है वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, और दोबारा से मैं यहाँ पर रन करता हूँ सेम क्वेरी को, तो यहाँ पर अब वो दिया को भी शो कर रहा है, क्योंकि दिया इज अगेन कंटेनिंग द ओनली फोर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए काम करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं अंडरस्कोर। एस्ट्रिक आप कहाँ, सॉरी आप ये परसेंट साइन कहाँ यूज कर सकते हो, जहां पे आपको एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैच करने। फॉर एग्जाम्पल, वो सारे नाम आपको चाहिए जो ए से स्टार्ट हो, बाकी बाद में कुछ भी आता रहे। तो बाद में कुछ भी आए उसके लिए यहाँ पर मैंने परसेंट साइन यूज किया है। तो योर नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर ए फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ और एनी कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये ए से स्टार्ट होने वाले तीन उसने नाम आपको पिक कर दे दिए। इन द सेम वे, अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि कुमार से एंड होने वाले, एक स्पेसिफिक सरनेम से एंड होने वाले सिर्फ नाम आने चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा स्पेस कुमार। अब नाम यहाँ पे कुछ भी हो, स्पेस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है सरनेम। तो सरनेम मतलब फर्स्ट नेम और सरनेम के बीच का स्पेस। तो
जहां पर भी स्पेस कुमार होगा वो सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स होंगे वो आपको मैच कर कर वो दे देगा। तो ऐसा करके मैं एक बार रन कर कर देखते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे अमित कुमार, रवि कुमार और ललित कुमार, यहाँ पर तीनों सेम सरनेम वाले जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको डिस्प्ले हो गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर कोई एक ऐसा नाम, मुझे ऐसा कोई प्रिंट करना है जो एटलीस्ट आपका 5 लेटर से स्टार्ट हो। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर कर दिया सिर्फ परसेंट साइन, तो परसेंट साइन का मतलब हो गया एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन तो रहा ही नहीं, यानी आपके नाम में कितने भी कैरेक्टर्स हो वो सारे के सारे एक्सेप्ट कर लेगा। बट मैंने यहाँ पर आकर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि कम से कम आपके नाम में 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए, कम से कम 5 कैरेक्टर्स। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फिक्स 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए मैंने 5 अंडरस्कोर लगा दिए, 1 2 3 4 5। अब ये 5 कैरेक्टर्स तो होंगे ही होंगे, फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी 4 4 नंबर की लेटर वाले जो नेम है वो आपको डिस्प्ले नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो रन कर देखते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कम से कम 5 लेटर के नेम आपको डिस्प्ले होंगे, 4 लेटर के जो नाम है वो आपके यहाँ से हट गए। ठीक है, तो 4 अंडरस्कोर का मतलब है कि कम से कम, सॉरी 5 अंडरस्कोर का मतलब है कि कम से कम 5 लेटर्स तो होंगे ही होंगे आपके नाम में, उसके बाद कैरेक्टर्स हो या ना हो इट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट। इतनी बात क्लियर है तो एक बार थम्सअप कर दीजिए, पैटर्न मैचिंग क्लियर है। तो सिंपल यहाँ पर अंडरस्कोर जो है वो इंडिकेट कर रहा है सिंगल कैरेक्टर, और आपका वो जो है जो परसेंट साइन है वो इंडिकेट कर रहा है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट में आ रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं नल के लिए सर्च, है ना। वी आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर नल। तो नल पे कैसे काम करना है, नल नल का मतलब है इफ यू हैव नॉट एंटर्ड एनी डेटा इन पर्टिकुलर कॉलम, तो वो नल ऑटोमेटिकली कंटेन करता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसमें से किसी के हम लोग मार्क्स यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, कुछ कुछ मार्क्स यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, जस्ट एंड दिस दीज एम्प्टी मार्क्स आर इंडिकेटिंग नल कैरेक्टर्स। ये जो आपके मार्क्स हैं ये शो कर रहे हैं नल कैरेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पर किसी भी कॉलम वैल्यू को आप स्किप करते हो, एम्प्टी छोड़ देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली नल इंसर्ट कर देता है। ठीक है, तो हाउ यू कैन यूज दिस नल कैरेक्टर, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आकर ऐसे 4 रिकॉर्ड्स को, मैंने 4 रिकॉर्ड्स के जो मैंने मार्क्स हैं वो मैंने डिलीट कर दिए, जस्ट टू सी के हाउ यू कैन सर्च दीज एम्प्टी वैल्यूज। आप देखिए, जब वैल्यूज होती हैं तो वैल्यूज मैच करके आप सर्च कर सकते हो, बट अगर वैल्यूज नहीं है तो आप उन्हें कैसे सर्च करोगे। तो यू कैन सर्च फॉर नल, आप फिर उस केस में नल के लिए सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कमांड है, एक बार देख लेते हैं कि कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। देखिए, पैटर्न मैचिंग हटाते हैं और नल के लिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा वेयर मार्क्स, और नल को सर्च करने के लिए हम लोग लगाते हैं इज नल, वेयर मार्क्स इज नल, NULL। सबसे पहले तो ये समझिए कि इज नल क्यों लगाया है। इज यहां पर इसलिए लगाया है क्योंकि नल जो है वो आपकी कोई वैल्यू नहीं है जो आपने एंटर की हुई है, तो वैल्यूज मैच करने के लिए हम लोग इक्वल साइन लगाते हैं। और इज नल जो है वो यहां पर इंडिकेट कर रहा है दैट दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड और दिस पर्टिकुलर फील्ड, मार्क्स फील्ड, इज कंटेनिंग नथिंग। तो इस फील्ड में कुछ भी कंटेन नहीं कर रहा है, इसीलिए इसीलिए यहां पर हम लोग यूज करेंगे इज ऑपरेटर। ठीक है, आप इस ऑपरेटर के थ्रू ही आप यहां पर नल को मैच कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा, तो चलो चलाकर देखते हैं। इज नल ही आप यूज करेंगे, इज नल आपको पूरा यूज करना पड़ेगा, तो आपको वो सर्च कर कर दे देगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कहां कहां मार्क्स आपके नल है, यानी कि एम्प्टी है। तो रन कर कर देखते हैं। ये देखिए, इन जगहों पे आपके मार्क्स आपके खाली है। देखिए, इस जगह पे आपके 4 मार्क्स आपके खाली है, तो यू कैन सर्च फॉर नल एंट्रीज इन मार्क्स कॉलम। ठीक है, और अगर आपको सर्च करना है कहाँ कहाँ नल नहीं है, तो आप लगा सकते हो इज नॉट नल।
आप इज नॉट नल भी लगा सकते हो। तो इज नल या इज नॉट नल दोनों आपके काम करते हैं। तो इज नॉट नल का मतलब ये हो गया कि जहां जहां आपके मार्क्स की एंट्री प्रॉपरली होगी वहां वहां वो शो आपको कर देगा, ठीक है। तो नॉट नल का मतलब है जहां पर आपके मार्क्स की एंट्री प्रॉपर होगी तो वो शो करेगा आपको नॉट नल। रन करके देखते हैं, सारे आपके जहां जहां मार्क्स की एंट्री होंगी वो सारी आपकी शो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो नल मार्क्स होंगे वो आपको डिस्प्ले नहीं होंगे एक भी। क्लियर हो गया इज नल और इज नॉट नल का कॉन्सेप्ट? क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। इज नल मीन्स सर्चिंग फॉर नल वैल्यूज, दैट इज कहां पे आपकी मार्क्स आपके एम्प्टी छूटे, या किसी भी कॉलम के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपकी कॉलम की वैल्यू खाली छूटी हुई है, तो वहां पे आप नल से सर्च कर सकते हो। क्योंकि जो एम्प्टी वैल्यूज होती है दे स्टोर नल बाय डिफॉल्ट, जब भी आप किसी भी कॉलम वैल्यू को स्किप कर देते हो तो वो नल इंसर्ट कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने कर लिया है नल और नॉट नल।